वहीं कांग्रेसी नेता गीता भुक्कल का कहना है कि बीजेपी सरकार प्रदेश में नशे की तस्करी को रोकने में पूरी तरह से नाकाम रही है। साथ ही बीजेपी पर युवाओं के भविष्य के साथ खिलवाड़ करने का आरोप लगाते हुए गीता भुक्कल ने कहा कि हरियाणा में बीजेपी के आने से पहले नशे की तस्करी नाम मात्र थी, लेकिन बीजेपी के आने के बाद जैसे ही कानून व्यवस्था बिगड़ी उसके बाद से हरियाणा में अब युवा नशे की चपेट में आ गया है। केवल हरियाणा में बल्कि आपने देखा होगा पिछले दिनों कैप्टन अमरिंदर सिंह जो पंजाब के मुख्यमंत्री हैं उन्होंने हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री से आके स्वयं एक मीटिंग की, बहुत सारे राज्यों की एक अलग से कमेटी बनाने की बात कही है और विशेष तौर से हमारे हरियाणा जो कि पहले नशे की चपेट में ज़्यादा नहीं था, आज की डेट में चाहे वो शिक्षण संस्थान हों चाहे हॉस्पिटल्स हों या केमिस्ट शॉप्स हों या कहीं भी नशा जो है, क्योंकि लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति इतनी ज़्यादा प्रदेश में ख़राब है कि उन पर कोई कंट्रोल नहीं है, कोई किसी से डर नहीं रहा है और नशे के जो तस्करी जो है वो पूरी तरह से हो रही है, युवाओं का भविष्य जो है वो खराब किया जा रहा है, उनको नशा वो दिया जा रहा है। तो इसमें राजनीति ना करते हुए हम लोग कहेंगे कि सरकार जो है इसमें कोई ना कोई ठोस कदम उठाए।